तो गाइस ये रहा हमारा माइनक्राफ्ट का एक प्यारा सा विलेज जिसपे गाइस आने वाले टाइम पे होने वाला है म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ का अटैक जो इस पूरी विलेज को आप डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन गाइस मेरे रहते हुए चीज को आप कभी होने नहीं दूंगा, तो इसलिए आज मैं इस पूरी विलेज को आप सराउंड करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के बेस्ट डिफेंस अटैक से। एंड लेट्स सी कि मैं इस पूरी विलेज को आप म्यूटेंट ज़ॉम्बी के अटैक से बचा पाता हूँ। लेकिन गाइस उससे पहले आज भी तुम्हें एक न्यू रिकॉर्ड का गोल देता हूँ जो कि है 900 के सब्सक्राइबर। एंड लेट्स सी तुम यहाँ पे इसे कितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। तो ओके गाइस ये रहा हमारा पे नन्ना और प्यारा सा विलेज जिसको गाइस मुझे यहाँ पे करना होगा डिफेंड। एंड ओके गाइस मैं अपने पैलेटिव्स के लिए यहाँ पर जायंट वॉल का यूज कर सकता हूँ और मेरे ख्याल से म्यूटेंट ज़ॉम्बी यहाँ पे इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। फिलहाल गाइस मैंने अपने गेम में यहाँ पर कर रखा वर्ल्ड एडिटर वाला मॉड इंस्टॉल, सो इट मींस अगर मैं यहाँ पे वाली कमांड डालता हूँ देन गाइस मैं पे वॉल को स्पॉन कर सकता हूँ। ओके एंड नाउ गाइस हम इसी चीज का यूज करके यहाँ पे पूरे विलेज को कर देता हूँ वॉल से कवर। सो सिंपली मैंने यहाँ पे डाली वाली कमांड एंड गाइस जस्ट सी दिस, यहाँ पे हो चुकी है हमारी वॉल पूरी स्पॉन। एंड आई थिंक गाइस इस वॉल की हाइट पे इनफ है म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ के ऊपर से कूद के नहीं जा पाएंगे, पर फिर भी गाइस मैं यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। सो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आयरन बार को। एंड ओके गाइस इसको थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे और ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और गाइस ये जो तुम सामने खुला एरिया देख रहे हो यहाँ पर हम बनाएंगे अपने डिफेंस सैक्स। ओ सो इसके हिसाब से मैं अपने डिफेंस के लिए यहाँ पे कैक्टस की वॉल का भी यूज कर सकता हूँ। वैसे गाइस मुझे लिटरली कोई भी आइडिया नहीं कि क्या चीज़ यहाँ पे रियली म्यूटेंट ज़ॉम्बी के अगेंस्ट काम करेगी। फिलहाल अभी के लिए तो मैं बस होप कर सकता हूँ। ओके गाइस मैंने पे सैंड को तो लगा दिया है और अब मुझे यहाँ पर प्लेस करना है कैक्टस को। ओके गाइस ये तो यहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन अगर रियली बताओ तो यहाँ पे काफी ज्यादा इजी पार करना, तो इसलिए गाइस इसको डिफॉल्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ मैग्मा ब्लॉक को और इसको यहाँ पे थोड़ा और मुश्किल बनाने के लिए गाइस मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कॉबवेब को। एंड ओके गाइस अब तो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। ओके तो इस वीडियो के हिसाब से गाइस मैं यहाँ पे लावा का भी यूज कर सकता हूँ ऐसे डिफेंस के लिए। तो मे बी गाइस मुझे चीज को पे वॉल के बाहर के साइड बनाना चाहिए, तो सिंपली मैं कर देता हूँ यहाँ पे लाइन में गड्ढा। ओके गाइस गड्ढा तो यहाँ पे रेडी हो चुका है और अब मुझे इसके अंदर पे भरना होगा ढेर सारा लावा। ओके गाइस मैंने पे लावा तो भर दिया, बट गाइस ज़ॉम्बी बड़ा आराम से चम मार के हमारे बेस के अंदर आ सकते हैं। और गाइस ये चीज मैं पे बिल्कुल नहीं चाहता, तो इसलिए गाइस मैं पे प्लेस करने वाला हूँ मैग्मा ब्लॉक को जिसके साथ गाइस मैं पे ऐड करूंगा कॉबवेब को भी। एंड ओके गाइस अब तो हमारे बैरियर को पार करना यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। वेल गाइस इस वीडियो के हिसाब से मैं पे फायर की वॉल का भी यूज कर सकता हूँ ऐसा डिफेंस के लिए। वैसे तो गाइस हमारा बैरियर तो यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है, पर फिर भी गाइस यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पे बीच में ऐड कर देता हूँ सोल वाली फायर को। और वैसे भी गाइस ब्लू वाली फायर यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, तो इसलिए मैं इस चीज को हर कैक्टस के बीच में लगा देता हूँ। एंड ओके गाइस अब तो हमारा बैरियर यहाँ पे पूरा रेडी है। ओके तो इसके हिसाब से मैं अपने डिफेंस में यहाँ पे डिफेंस टावर को भी ऐड कर सकता हूँ। फिलहाल गाइस इस बार मेरे पास अभी पिछली बार से बढ़िया यहाँ पे डिजाइन है, सो अगर मैं यहाँ पे ऑब्सिडियन का कुछ ऐसा पिलर बनाऊँ एंड नीचे से उसको यहाँ पे कुछ ऐसा बेस देकर उसके ऊपर यहाँ पे सोसेंट प्लेस कर दूँ देन गाइस ये बन जाएगा हमारे यहाँ पे अल्टीमेट डिफेंस टावर। एंड गाइस मैंने चाहता कि ज़ॉम्बी हमारे डिफेंस टावर के नीचे खड़े होकर यहाँ पे बच जाए, तो इसलिए गाइस यहाँ नीचे गड्ढा करके मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ लावा। ओके मैंने पे लावा तो प्लेस कर दिया और अब मुझे देना इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत डिजाइन। एंड ओके जस्ट सी दिस गाइस हमारा डिफेंस टावर यहाँ पे कितना ज्यादा यूनिक से लग रहा है। फिलहाल गाइस अब इसके अंदर पे भरने वाला हूँ ढेर सारे स्नो गोलम को। एंड अब गाइस हमारा डिफेंस टावर यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, तो गाइस मैं ऐसे एक सेम टावर यहाँ पे इस साइड भी बना देता हूँ। तो मैं सिंपली करने वाला हूँ टावर को यहाँ पे कॉपी और इस साइड में कर देता हूँ इस चीज को यहाँ पे पेस्ट। एंड जस्ट सी दिस गाइस यहाँ पे कितना ज्यादा सही लग रहा है। ओके गाइस इस साइड के हिसाब से मैं टीएनटी का यूज कर सकता हूँ ऐसा प्रोटेक्शन के लिए। वैसे गाइस ये ऐड तो यहाँ पे सेमी काफी ज्यादा यूनिक है, तो मेरे ख्याल से मुझे इसे बैरियर के सामने बनाना चाहिए। वैसे तो गाइस हमारा ट्रैप यहाँ पे वन टाइम यूज के लिए है, लेकिन मेरे ख्याल से गाइस ज़ॉम्बी यहाँ पे इसे एक ही बार में मर जाएगा। सो मैं सिंपली यहाँ पे लाइन में लगा देता हूँ ढेर सारे ऑब्सीडियन जिसके अंदर गाइस मुझे गैप में एक ब्लॉक का गड्ढा करके उसके अंदर लाइन से टीएनटी भर देने। एंड नाउ गाइस प्रेशर पे लगाने के बाद अब हमारा ट्रैप हो चुका है यहाँ पे बिल्कुल रेडी। और वैसे भी गाइस इस चीज का लुक देखो जरा एक बार हमारे डिफेंस टावर से कितनी ज्यादा मैच कर रही है। एंड नाउ गाइस अगर कोई म्यूटेंट ज़ॉम्बी इसके ऊपर से यहाँ पे जाएगा देन गाइस टीएनटी हो जाएगा यहाँ पे एक्टिवेट जिससे गाइस यहाँ पे हो जाएगा धमाका। ओके गाइस यहाँ पे तो जरा एक लाइटिंग स्पाइक ट्रैप जो गाइस एक तरीके से यहाँ पे एक्सप्लोजन डिफेंस है। फिलहाल गाइस ये चीज तो आपसे काफी ज्यादा एपिक है, लेकिन सवाल ये कि आखिर उसको यहाँ पे कैसे बनाऊं। गाइस एक सेकंड यहाँ पे मेरे पास एक आइडिया है। सो अगर मैं वॉल से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर इसके ऊपर आप लाइटिंग रॉड प्लेस कर दूंगा देन गाइस साइड में यहाँ पे टीएनटी प्लेस करने के बाद ये बच जाएगा हमारा स्पाइक ट्रैप जो कुछ ज्यादा अजीब दिख रहा है। ओके अभी चीज यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। एंड नाउ गाइस अब इसी तरीके से कब सारे स्पाइक ट्रैप यहाँ पे चारों तरफ बना देता हूँ। ओके मेरे ख्याल से इतने यहाँ पे इनफ रहेंगे। एंड सपोज गाइस अगर म्यूटेंट ज़ॉम्बी सामने से आ रहे होंगे देन गाइस मैं सिंपली करूंगा टीएनटी के ऊपर एक फ्लेम वाला एरो शूट और फिर अगर जैसे यहाँ पे टीएनटी इग्नाइट हो जाएगा वहां सामने हो जाएगा धमाका। ओके ये कब ज्यादा सही है, मैं यहाँ पे डिफेंस के लिए फायर बॉल लिए कैनन बना सकता हूँ। वैसे का चीज तो यहाँ पे सेम कब ज्यादा एपिक है, लेकिन उससे पहले गाइस एक बार मुझे इसको ट्राई करके देखना है कि क्या यहाँ पे रिलीव करता है, क्योंकि गाइस पिछली बार मेरे साथ बहुत ही बड़ा वाला स्कैम हो गया था। एंड गाइस वही सेम चीज मैं इस बार रिपीटिंग करना चाहता, सो लेट्स सी क्या पे काम करता है। ओके ओके यहाँ पे सही से काम कर रहा है। गाइस ये चीज तो यहाँ पे रिली बहुत ज्यादा स्मूथली काम कर रही है, तो इसलिए गाइस अब मैं इस चीज को अपने बेस के चारों साइड बनाने वाला हूँ। ओके गाइस डिस्पेंस तो मैंने यहाँ पे लगा दिया और अब इसके अंदर भरना होगा मुझे फायर चार्ज। एंड लेट्स गो गाइस मैंने इसको सामने की तरफ तो सेटअप कर दिया है। एंड नाउ ये सेम चीज मैंने अपने बेस के चारों साइड कर दिया है और अब गाइस अगर कोई भी हमारे बेस के अंदर घुसेगा देन गाइस उसका पे ये हाल होगा। ओके सो इस वीडियो के हिसाब से गाइस मैं अपने हनी ब्लॉक का भी यूज कर सकता हूँ ऐसा डिफेंस के लिए। फिलहाल गाइस मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वाला आइडिया है। सो सपोज गाइस मुझे इस पूरे एरिया को भरना है हनी ब्लॉक और मैग्मा ब्लॉक से देन गाइस मुझे सिंपली डालनी चैट में वाली कमांड और अब गाइस जब भी मैं एक्स ऊपर राइट क्लिक करूंगा वहां पर जगह हनी ब्लॉक और मैग्मा ब्लॉक स्पॉन
और शायद से अगर मैं यहाँ पे वाली कमांड डालता हूँ तो क्या यहाँ पे ज़मीन स्पॉन होगा? ओके ओके हो यहाँ पे, लेट्स गो। और हम इस पूरे एरिया को पे चीज से वहाँ पे भर दूंगा। A few moments later. And okay, guys, अब लग रहा है हमारे एरिया पे आइकॉनिक। और अब guys, अगर कोई म्यूटेंट ज़ॉम्बी यहाँ से जाएगा, then guys, उसको मिलेगा यहाँ पे मैग्मा ब्लॉक से डैमेज और साथ ही साथ उसको यहाँ पे हनी ब्लॉक स्लो भी कर देंगे। And wait, guys, मैंने यहाँ पे सोचा क्यों नहीं, मैं तो यहाँ पे विदर उसका भी यूज कर सकता हूँ। और यहाँ देखो जरा, इससे यहाँ पे कितना गंदा वाला डैमेज मिल रहा है। तो मैं इसे रैंडमली इस पूरे एरिया में यहाँ पे स्पैम कर देता हूँ और इसको और ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए मैं इसके बीच में यहाँ पे डाल दूंगा ढेर सारा लावा। वैसे guys, हमारा एरिया तो यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है, बस यहाँ साइड वाली जगह में डिफेंस की कमी पड़ रही है। और इस चीज के लिए भी मेरे पास यहाँ पर एक जुगाड़ है, तो मैं सिंपली कर देता हूँ डिफेंस टावर को यहाँ पे कॉपी और यहाँ आगे आकर मैं इस चीज को यहाँ पे कर देता हूँ पूरा पेस्ट। एंड लेट्स गो गाइस, हमारा डिफेंस टावर हो चुका है यहाँ पे स्पॉन। एंड गाइस, ये सेम चीज मैं इस साइड भी कर देता हूँ। एंड लेट्स गो, अब सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है और अब लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल युद्ध का मैदान। सो इस के हिसाब से गाइस, मैं पे ट्रैप डोर का यूज कर सकता हूँ ऐसा ट्रैप के लिए। वैसे गाइस, ये डिफेंस हमारा पे बैकअप डिफेंस होने वाला है, सो अगर म्यूटेंट ज़ॉम्बी यहाँ पर किसी तरह पहुंच भी गया देन ये उसको यहाँ पे संभाल देगा। तो मैं सिंपली कर देता हूँ यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वाला गड्ढा जिसके अंदर गाइस मैं यहाँ पे भर दूंगा ढेर सारा लावा। और अब मुझे यहाँ पे लगा देना ट्रैप डोर रूबी लाइन से। एंड ओके गाइस, अभी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है और अगर कोई ज़ॉम्बी यहाँ पर आएगा भी देन गाइस मैं कर दूंगा इसका यहाँ पे एक्टिवेट। ऑल्सो मैं यहाँ पे दो चार आयरन गोलम को भी स्पॉन कर देता हूँ। एंड नाउ गाइस, हमारा डिफेंस बेस यहाँ पे बिल्कुल रेडी एंड ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे किसी टाइम आने वाले हैं। ओके गाइस, यहाँ पे रात हो चुकी है और म्यूटेंट ज़ॉम्बी यहाँ पे किसी टाइम आने वाले हैं। एंड ये लोग गाइस, मैंने पे बोलना स्टार्ट ही कर था कि यहाँ पे म्यूटेंट ज़ॉम्बी ने हमारे बेस पर अटैक कर दिया है। वेल, इनकी तो ऐसी तैसी। ओ भाई साहब, गाइस यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ हमारे बेस के अंदर आ चुके हैं। यही यहाँ पे सेम ऑकेस्ट टीएनटी ट्रैप का पे एक्टिवेट करने का। एंड लेट्स गो गाइस, यहाँ पे मिल चुका ज़ॉम्बीज़ को टीएनटी से डैमेज। एंड लेट्स गो गाइस, हमारे डिफेंस स्टार हो चुके हैं यहाँ पे एक्टिवेट और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ अभी डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। फिलहाल यही यहाँ पे सेम मौके इन सबको यहाँ पे मारने का। ओ नो गाइस, लगता है म्यूटेंट ज़ॉम्बी ने मुझे यहाँ पे देख लिया है। वेल चलो कोई ना गाइस, इन्होंने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया टीएनटी ट्रैप को और अब तो यहाँ पे गए। वेल एक काम करता हूँ, इनका मैं पास से मारता हूँ। व्हाट, एक सेकंड, ये मेरे को इतने दूर से यहाँ पे कैसे मार पा रहे हैं? वेल अब तो यहाँ पे गए, लेट्स गो गाइस। एंड व्हाट, एक सेकंड, अब यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ कैसे स्पॉन हो रहे हैं? ओ नो गाइस, लगता है म्यूटेंट ज़ॉम्बी के पास यहाँ पे स्पेशल एबिलिटी है जिससे यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ से स्पॉन हो रहे हैं। अब नहीं गाइस, इन लोगों ने मेरे यहाँ पे डिफेंस टावर के स्नो गोलम को मार दिया, इसलिए यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल गाइस, अब तो फाइट मुझे यहाँ पे अकेले लड़नी होगी। ओ शिट, अबे भाई साहब, पे क्या हुआ? ओ नो गाइस, यहाँ पे एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी हमारे बेस के अंदर एंटर कर चुका है। अब नहीं, अबे भाई साहब, बंदा पे कर क्या रहा है? गाइस सही में म्यूटेंट ज़ॉम्बी तो हद से ज्यादा पावरफुल निकले। अब नहीं, ओके ओके गाइस, अबे मर चुका है। एंड नाउ अब मुझे बस इन ज़ॉम्बीज़ को क्लियर करना है और ऊपर से गाइस यहाँ पे कुछ ही म्यूटेंट ज़ॉम्बी बचे हुए हैं। वेल इनकी तो उसके तैसे, इनको भी बहुत से यहाँ पे मारता हूँ। एंड वेट, ओके गाइस यहाँ पे मर चुके हैं और ऊपर से बस यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ बचे हुए हैं और इन ज़ॉम्बीज़ को तो ऐसे तैसे, इनको तो मैं अपनी सॉर्ट से यहाँ पे मार दूंगा। फिलहाल गाइस, हमारे डिफेंस ने यहाँ पे काफी अच्छा काम करा, बहुत सारे म्यूटेंट ज़ॉम्बी उसी चीज से यहाँ पे मर चुके हैं। ओके गाइस, इस साइड का तो ज़ॉम्बी यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं और अब जो भी बचे वो सारे सामने की साइड है। तो गाइस, ये गया हमारा पे सेकंड लास्ट वाला ज़ॉम्बी और ये गया यहाँ पे लास्ट ज़ॉम्बी। एंड लेट्स गो गाइस, हमने अपने विलेज को पे म्यूटेंट ज़ॉम्बी के अटैक से बचा लिया है। फिलहाल गाइस, अब हमारा विलेज है यहाँ पे बिल्कुल सेफ। तो इसी बात पे गाइस, अभी वीडियो को लाइक करना तो बनता है, बात करें इस वीडियो को लाइक एम की, देन यहाँ पे 50,000 और उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलना, 900 के वाला गोल जो पूरा करना है।